सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या है और हिंदी व्याकरण साहित्य में, हिंदी व्याकरण विधा में उपसर्ग की आवश्यकता क्या है। जो शब्द रचना है भाषा का प्रमुख अंग है और एक ही शब्द से कई शब्द बनने से न केवल भाषा बल्कि साहित्य भी समृद्ध होता है। उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, इनके माध्यम से नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, इसलिए हमें उपसर्ग पढ़ना पड़ता है। उपसर्ग शब्द वस्तुतः दो शब्दों के योग से बना है, पहला है उप और दूसरा है सर्ग। उप का अर्थ है समीप या निकट, पास में, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इस तरह से उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ हुआ वे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात उसे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि सार्थक शब्द, सार्थक शब्द के पहले लगा करके उसके अर्थ में जो परिवर्तन आता है, जो विशेष अर्थ प्रदान होता है, विशेष अर्थ बनता है, वही उपसर्ग कहलाता है। इस तरह उपसर्ग का अर्थ है पास रहकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्द की सृष्टि करना, अर्थात शब्द के पास रहेगा परंतु दूसरा जो नया शब्द बनेगा उससे नए शब्द की सृष्टि करेगा। उपसर्ग को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय का अर्थ है न व्यय इति अव्यय, अर्थात जिसका व्यय ना हो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, पुरुष वचन इत्यादि किसी कारण से भी उसमें कोई परिवर्तन ना आए, उसे हम अव्यय कहते हैं। उदाहरण, नी प्लस दान, निदान, सु प्लस पुत्र, सुपुत्र, अध प्लस खिला, अधखिला, अनु प्लस कूल, अनुकूल। अब उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों की तीन स्थितियां हमारे सामने आती हैं। जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उनका प्रयोग करते समय शब्द की तीन स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। पहला, शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है। जो नया शब्द बनेगा उसका जो अर्थ आएगा उसमें एक नई विशेषता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, शब्द के अर्थ में वृद्धि या हास्य होता है। जो शब्द का अर्थ है कभी कभी उसमें वृद्धि हो जाती है या उसमें कभी कभी कमी भी नजर आने लगती है। तो तीन स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। वस्तुतः शब्द अक्षरों का एक सार्थक समूह है जो स्वयं में स्वतंत्र होता है और अपना अलग अर्थ रखता है। जो शब्द है, शब्द जो बनता है वह क्या होता है, अक्षरों का या वर्णों का, ध्वनियों का सार्थक समूह होता है। जैसे हमने राम कहा तो र, फिर आ, फिर म, फिर अ, इस तरह से इनको हम मिला करके शब्द बनाते हैं। तो वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है वह मिलता है तो सार्थक शब्द बनता है। और शब्द जो होता है वह स्वतंत्र होता है, अपना एक अलग अर्थ रखता है। वाक्य में जब पिरोते हैं तो वाक्य में जो शब्द होता है अपना एक स्वतंत्र अर्थ रखता है और उसका प्रयोग हम वाक्य में स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं।
लेकिन जो उपसर्ग है, उपसर्ग अक्षरों के समूह तो होते हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं होते हैं, ना ही इनका स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग ही करते हैं। अर्थात जो उपसर्ग है, उपसर्ग भी जैसे हमने कहा पराजय, परा शब्द इसमें उपसर्ग है, इसमें भी अक्षर मिले हैं, वर्ण मिले हैं, इनसे परा उपसर्ग बना, अक्षरों का समूह है लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, ना ही इनका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। जब तक किसी शब्द के साथ उपसर्ग की संगति नहीं बैठती तब तक उपसर्ग अर्थवान नहीं हो सकता। अर्थात जब तक किसी शब्द के साथ उपसर्ग को हम नहीं बैठाते हैं, आपने परा शब्द लिखा, परा का अर्थ क्या है? परा मतलब अधिक या उल्टा, है ना? परा का अर्थ है कि अधिक या उल्टा, इसका अर्थ होगा। परंतु जब हम इसको किसी शब्द के साथ जोड़ दिए, जय शब्द के साथ जोड़ दिए और मिल गया पराजय, अब इसका अर्थ अलग हो गया। तो व्याकरणाचार्यों ने ऐसा कहा है कि जो उपसर्ग है, जब तक किसी शब्द के साथ हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, संगति नहीं बैठेगी, तब तक उपसर्ग अर्थवान नहीं होगा, अर्थात उसमें अर्थ आकर्षक नहीं उत्पन्न होगा। उपसर्ग के प्रयोग कहाँ कहाँ उपसर्ग का प्रयोग हुआ, कहाँ कहाँ से उपसर्ग निकला है? पहला तो है संस्कृत के उपसर्ग जो तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं, तत्सम के समान है। तत्सम तत् मतलब उसके सम, मतलब समान, किसके समान? संस्कृत के समान। दूसरा हिंदी उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर के तद्भव रूप में बदल गया है। तीसरा है आगत या विदेशी उपसर्ग, मुख्यतः उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। आगत मतलब कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो अलग भाषाओं के होते हुए भी हिंदी में उनको स्वीकार किया गया है, हिंदी में उनका हम प्रयोग करते हैं, तो उन ध्वनियों का जो हिंदी में हम जिनका प्रयोग करते हैं, तो कुछ जैसे अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हो गए, उर्दू के कुछ शब्द हो गए, फारसी के कुछ शब्द, पुर्तगाली, ऐसा नहीं कि दो ही तीन भाषाओं के शब्द, हिंदी का जो शब्द भंडार है, शब्द संपदा है, बहुत विस्तृत है, सुदृढ़ है, अलग अलग भाषाओं के शब्द संपदाओं का भी इसमें समावेश हुआ है, सबका हिंदी में स्वागत किया गया है, तुर्की, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, सभी भाषाओं के जो शब्द हैं समाहित हैं उनमें जो उपसर्ग हैं उनका भी प्रयोग किया गया है, तो आगत या विदेशी उपसर्ग इनका नाम दिया गया है। अब संस्कृत भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं वह तत्सम शब्दों से निर्मित हुए हैं और तत्सम शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग तो संस्कृत में होता ही है, साथ साथ उनका वही रूप जो संस्कृत में है वही हिंदी में भी उनका प्रयोग होता है, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे उदाहरण है अति प्लस आचार, अत्याचार, सम प्लस वाद, संवाद, आ प्लस चरण, आचरण, अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष। इनमें आप देख रहे हैं कि जो अति है, सम है, आ है, अधि है, यह उपसर्ग हैं, यह उपसर्ग संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं और इनसे जो शब्द बने हैं वह तत्सम शब्द की उत्पत्ति हुई है, से बहुत सारे शब्द की रचना हुई है। संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग हैं, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुष, नी, निर, निष, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु,
इसे मिला करके 22 उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, और हिंदी में हम उनका उसी रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, अर्थात हिंदी उपसर्ग तद्भव शब्दों से निर्मित हुए हैं। प्रायः हिंदी के ही यह शब्द होते हैं और यह शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर के हिंदी में आए हुए हैं, अर्थात हिंदी उपसर्ग जो है वह इनका निर्माण तद्भव शब्दों से हुआ है, और तद्भव शब्द प्रायः हिंदी के ही शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर के आए हुए हैं। जैसे पर प्लस उपकार परोपकार, भर प्लस पेट भर पेट, स प्लस कुशल सकुशल, सु प्लस कन्या सुकन्या। इनमें आप देखिए जैसे पर भर स सु यह उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, और इनसे बनने वाला जो शब्द है वह भी तद्भव शब्द बना हुआ है। आगत या विदेशी उपसर्ग, आगत उपसर्ग विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग हैं जिन्हें हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं। जैसे ला प्लस परवाह लापरवाह, हेड प्लस मास्टर हेडमास्टर, गैर प्लस कानूनी गैर कानूनी। इनमें ला हेड गैर उपसर्ग हैं, यह उपसर्ग विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं, इनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। जैसे वाइस कहते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जिसको बोला जाता है हिंदी में, वाइस चांसलर उपकुलपति, डिप्टी कलेक्टर डिप्टी कमिश्नर, इत्यादि शब्द जो हैं विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं और इनका हम प्रयोग हिंदी में करते हैं। धन्यवाद, आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।